नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी स्टडी पॉइंट को और पाइए सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल गुरुजी स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, पिछली जो वीडियो थी वो करंट अफेयर्स की थी सितंबर की, और ये वीडियो जो है सितंबर की करंट अफेयर्स की पार्ट टू है, तो इसे भी लिख लीजिए साथ साथ और याद करते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला प्रश्न, शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत की यशस्विनी देशवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। पदक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वैलेरी हॉर्पर का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो यह थी अभिनेत्री। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 20वां भारत रूस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था व्लादिवोस्तोक में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कचड़ा कैफे कहाँ खोला जाएगा? यह खोला जाएगा छत्तीसगढ़ में। देखते हैं अगले प्रश्न। वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर अभी तक शेयर नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी आपके पास। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के साथ जोड़ो। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, BSF के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं विवेक कुमार जौहरी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व कौशल प्रतियोगिता में पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह बनी है श्वेता रतनपुरा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में गर्वी गुजरात भवन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, माउंट लियो परगिल पर किस देश की सेना ने सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो वो देश है हमारा भारत। अब देखते हैं और अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये है हैमिल्टन मसाकातजा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर है ऑस्ट्रेलिया, और अगर बात करते हैं हमारे भारत की तो भारत का स्थान है 9वां स्थान। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज कौन है? तो यह है जसप्रीत बुमराह। अब देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न। अगला प्रश्न, एवैब के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो यह है सुनील अरोड़ा। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करो, जिससे कि यह चैनल ग्रो करे और सब्सक्राइबर बढ़े। मेरा काम है पढ़ाना, अच्छी अच्छी वीडियो देना, अच्छा कंटेंट लेके आना आप लोगों के लिए। आप लोगों का काम है वीडियो को देखना, लिखना और साथ ही साथ शेयर करना, और अपने परिवार को गुरुजी स्टडी पॉइंट को बढ़ाना। तो शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी, जहाँ तक आप लोग शेयर कर सकते हैं वहाँ तक शेयर कीजिए। थैंक यू।